बोलो सरस्वती माता की, बोलो साचे दरबार की। बताओ मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा की गई? यही सुना दूसरा कोई, यहां आपको केबीसी थोड़ी खेल रहा हूं मैं। ऊपर करो, आ सीधा ऊपर, एकदम ऊपर एकदम, ये ऊपर से करो बात, ऊपर करो सीधा, ऐसे नहीं, दूसरा देखा बैठ। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर। चलो खड़े हो, ये बताओ कि अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म कब चलाया गया? कब चलाया गया? 1582। कब चलाया गया? 1582। 1582 बैठी। चलो बताओ गांधी जी ने कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की तो कौन से अधिवेशन की और कब की? आवाज नहीं आ जाए किसी की, भारी पड़ जाएगा तुम पे मामला। 1857 पैदा भी नहीं हुए थे वो, 1859 में पैदा हुए गांधी जी, और 1857 ने कांग्रेस की मतलब अधिवेशन कर दिया, और कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। देखो खड़े हो, ये बताओ जो काकोरी कांड हुआ वो कब हुआ, डेट सहित बताना है। फटाफट बताओ, देखो ऊपर करो, हाँ सीधा बताओ कब हुआ काकोरी कांड? अप्रैल, 9 अगस्त 1925। ऊपर करो हाथ, खड़े हो। जो काकोरी कांड हुआ उसमें किस वकील ने इन क्रांतिकारियों का केस निशुल्क लड़ा? देखो हैं, सही बताओ क्या सही बता रही हो, बोलो क्या क्या था उसमें, दिखाओ फिर खड़े हो, कौन था? हाँ सचिन सान्याल ने केस लड़ा, खुद बेचारे उम्र कैद की सजा पा गए। ऊपर करो, चलो भाई साहब किसने केस लड़ा? देखो सीधा करो, ऊपर ऊपर सीधा वाला है, इधर से ये पेन नीचे रखो, वो देखो, ये दिखाओ, बैठो। भानुचंद्र, किसने लड़ा? भानुचंद्र, बैठो करो। गांधी इरविन समझौता डेट के साथ बताओ कब हुआ? कब हुआ गांधी इरविन समझौता? बताओ 5 मार्च 1931। खड़े हो, गांधी इरविन समझौते कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसने मध्यस्थता की जिससे कि ये जो समझौता हो जाए? सही बता रहा, तेज बहादुर संप्रू, बैठो। तेज बहादुर संप्रू, खड़े हो।
मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? देखो ऊपर करो हाथ, खड़े हो। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? यही देखो हाथ नहीं, जो पेन नीचे रखो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता वो ही बताना पड़ता है। बताओ है? देखो बिजारत कहते थे। क्या कहते थे? बिजारत। क्या कहते थे? बिजारत। खड़े हो भाई साहब। मुगल काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? है? दिखाओ। मीर बख्शी, खड़े हो नहीं? तुम खड़े हो। शिवाजी की अस्त्र प्रदान में सेनापति को क्या कहा जाता था? ये डंडे ही तो ऑनलाइन नहीं पढ़ता है, नहीं तो डंडे से तो याद होता है। बोलो अस्त्र प्रदान में क्या कहते थे? मुंह उठाया सुबह एकदम अपने अपने आप चले आए, बोले हम तो बहुत बड़ी बात करें। बताओ क्या कहते थे? अस्त्र प्रदान में सेनापति को क्या कहते थे? सर ए नौबत। क्या कहते थे? खड़े लड़के। अस्त्र प्रदान में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? दिखाओ क्या कहते थे? पेशवा। क्या कहते थे? पेशवा। तो ये ध्यान रखना कि आज का कार्यवाही यहीं पे समाप्त होती है, कल संसद द्वारा शुरू होगी, तब तक के लिए बैठक को स्थगित किया जाता है।